डेटा माइनिंग किस कोर्स के साथ मैं हूँ फजल रहमान शामिल, और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे यूक्लिडियन डिस्टेंस। व्हाट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस? यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होते हैं? यूक्लिडियन डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का एक मेथड है, जिसकी मदद से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस इज ए टेक्निक यूज टू फाइंड द डिस्टेंस आर डिससिमिलरिटी अमंग ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दरमियान हम डिस्टेंस और डिससिमिलरिटी यूक्लिडियन डिस्टेंस के फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक टेबल लें और हम कहें कि हमारे टेबल के अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, एक एज है और दूसरा एट्रीब्यूट है मार्क्स। और मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है समीद और एक ऑब्जेक्ट है शाजेब। दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन का नाम है समीद और एक पर्सन का नाम है शाजीब। ये तो हमारे पास हो गया जी ऑब्जेक्ट्स, और ये हमारे पास हैं दो एट्रीब्यूट्स, एज और मार्क्स। अब हम चाहते ये हैं कि हम डिस्टेंस फाइंड करें। हम किन किन का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं? हम कुछ इस तरह से डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं कि हमें पता चल जाए कि समीद से कितना डिस्टेंस है। हम ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं कि समीद से कितना डिस्टेंस है। हम ये डिस्टेंस भी फाइंड करना चाहते हैं कि समीत का शाहजेब से कितना डिस्टेंस है। इसी तरह हम ये भी फाइंड करना चाहते हैं कि शाहजेब का समीत से कितना डिस्टेंस है। इसी तरीके से हम यूक्लिडियन डिस्टेंस की मदद से ये भी फाइंड करेंगे कि शाहजेब से कितना डिस्टेंस है। यानी कि यूक्लिडियन डिस्टेंस की मदद से हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स की आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस के फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो आइए देखते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला क्या है। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला ये कहता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, और एक्स आई माइनस वाई जे और इस सारे का स्क्वायर। ये यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला है, जिसकी मदद से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उनका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो चलें जी ये कैलकुलेशन करके देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम समीत से डिस्टेंस फाइंड करें, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी समीत से डिस्टेंस। अब समीत से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि समीत से कितनी डिसिमिलरिटी होनी चाहिए? जीरो ही होनी चाहिए। अब ये जीरो कैसे आया, इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका ये है कि अगर हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना चाहें समीत से ही अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, तो फार्मूला कैसे होगा जी? फार्मूला होगा कि 10 माइनस 10। अब यहाँ पर 10 क्या चीज़ है? 10 अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम ऊपर जाएं तो ये देखें समीत की एज की वैल्यू क्या है, 10 है, और मार्क्स की वैल्यू क्या है, 90। तो ये जो समीत की एज की वैल्यू 10 है, इसको हम ले रहे हैं यहाँ पर एक्स। यहाँ पर देखें ना, ये यहाँ पर हमने समीत की जो एज थी वो हमने क्या ली, एक्स के तौर पे ली। और हमने कहा कि एक्स माइनस एक्स यानी कि 10 माइनस 10। यहाँ पर 10 माइनस 10 से क्या मुराद है कि समीत की एज माइनस समीत की एज। और यहाँ पर ये जो हमने 90 और 90 लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है? 90 से मुराद है कि समीत के मार्क्स 90 हैं। तो अब हमने क्योंकि समीत से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि समीत के मार्क्स माइनस समीत के मार्क्स और सारे का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 10 माइनस 10 होल का स्क्वायर, तो ये आएगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम 90 माइनस 90 का होल का स्क्वायर, तो ये भी आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर डिस्टेंस फाइंड करें समीत के दरमियान, तो इन दोनों का डिस्टेंस आपस में 0 है। 0 डिस्टेंस का मतलब है कि ये दोनों आपस में 100% सिमिलर हैं। अभी हमने जो फाइंड किया डिस्टेंस, हमने कहा कि समीत और समीत का जो डिस्टेंस फाइंड हुए हमारे पास वो हुए 0। अब 0 का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस 0 है और सिमिलरिटी 100% है। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 0 है
और जो सिमिलरिटी है वो 100% है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में 100% सिमिलर हैं। इसी तरीके से अब अगर हम फाइंड करना चाहें यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन समीद और शाहजेब, इस समीद और इस शाहजेब शाहजेब के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करने है। तो फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट 10 - 6। अब यहाँ पर 10 क्या है, 10 है समीद की एज और यहाँ पर 6 क्या है शाहजेब की एज। 10 समीद की एज हो गई और 6 हो गई शाहजेब की एज। यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 क्या है, 10 है समीद की एज और 6 क्या है शाहजेब की एज। तो हम फार्मूले में क्या कर रहे हैं, हम फार्मूला को जैसे लगा रहे हैं कि 10 - 6 होल स्क्वायर, और इसी तरह समीद और शाहजेब का डिस्टेंस फाइंड करना है तो समीद और शाहजेब के मार्क्स को भी माइनस करेंगे, यानी कि 90 - 95 होल का स्क्वायर, और फिर हम क्या कर लेंगे, इस सारे का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अगर हम फार्मूले लगाएं तो हम कह सकते हैं कि समीद और शाहजेब का आपस में डिस्टेंस कितना है, 10 - 6 + 90 - 95 एंड इन दोनों का स्क्वायर, हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो है 6.40312, यानी कि समीद और शाहजेब का जो आपस में डिस्टेंस है वो है 6.40312। इसी तरीके से आप अगर हम शाहजेब का समीद से डिस्टेंस फाइंड करें, यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम शाहजेब का डिस्टेंस फाइंड करें समीद से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट सिर्फ ये करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर ले लेंगे शाहजेब की एज और यहाँ पर ले लेंगे समीद की एज और यहाँ पर ले लेंगे शाहजेब के मार्क्स और यहाँ पर ले लेंगे समीद के मार्क्स और इस सारे का होल स्केल लेंगे और इस सारे का भी होल स्केल लेंगे, हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा ये चीज़। इसी तरीके से हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं समीद का समीद के दरमियान। अगर हम समीद का समीद से डिस्टेंस फाइंड करें तो वो भी हमारे पास जो आएगा 0 आएगा, और सेम इसी तरह के तरह से हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जी शाहजेब के साथ। तो अगर हम शाहजेब के साथ भी डिस्टेंस फाइंड करें तो हम सेम यही वाले फार्मूले यूज़ करके शाहजेब से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो एट द एंड जो हमारे पास डिस्टेंस आया वो कुछ इस तरह से आया कि हमने कैलकुलेशन के बाद ये रिजल्ट निकाला कि समीद का समीद से डिस्टेंस 0 है और समीद का शाहजेब से डिस्टेंस 6.40 है और शाहजेब का समीद से डिस्टेंस 6.4 है और शाहजेब से डिस्टेंस 0 है। और इस तरीके से हम यूक्लिडियन डिस्टेंस की मदद से किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर तो आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है और इसमें से आपको कुछ भी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।